हेरा फेरी 3 के लिए फाइनल तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हेरा फेरी 3 आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक साल नहीं बल्कि दोस्तों अगले साल फिल्म रिलीज होगी थिएटर के लिए। तो दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट में बात करूं तो दोस्तों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रेश रावल, बोमैन ईरानी, यानी कि दोस्तों ऐसा कोई कलाकार नहीं बचेगा जो कि दोस्तों सिस्टम फाड़ने में कमी करेगा फिल्म में। यानी कि दोस्तों राजपाल यादव भी फिल्म में नजर आएंगे स्टार कास्ट के तौर पे। यानी कि दोस्तों फाइनल हो जाइए हेरा फेरी 1 के बाद हेरा फेरी 2 आती है, सक्सेसफुल होने के बाद पार्ट 3 भी रिलीज होगी अगले साल, ये कन्फर्म हो चुकी है। यानी कि दोस्तों जो हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर है वो कन्फर्म कर दिया है कि अगले साल तक फिल्म को रिलीज 100% करना है और बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करना है फिल्म को। जहां दोस्तों ऑफिशियल रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी बताया जा रहा है कि अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा फाइनल रूप से। और ये बेहतरीन न्यूज है अक्षय कुमार फैंस के लिए, सुनील शेट्टी फैंस के लिए, क्योंकि हर बार इतनी कॉमेडी फिल्म नहीं बनती है, बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कॉमेडी फिल्म आएगी जो कि दोस्तों अच्छा खासा कॉमेडी करते हुए फिल्म में सभी स्टार नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों हेरा फेरी 1 का जब पार्ट आई थी तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा सिस्टम फाड़ा था और पार्ट 2 भी उसी टाइप की फाड़ा था। और दोस्तों अब बाकी है पार्ट 3 का। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर पार्ट 3 आएगी, बॉक्स ऑफिस पर लाजवाब की फिल्म की कमाई भी अच्छी खासी होते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों लीड स्टार कार्ड्स में आपको अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रेश रावल तीनों दिख जाएंगे और बॉक्स ऑफिस पर एक लाजवाब कॉमेडी करते हुए फिल्म में नजर आएंगे अक्षय कुमार। बाकी दोस्तों फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हेरा फेरी 3 से कुछ और अपडेट आती है, लेटेस्ट न्यूज आती है, सबसे पहले दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों अब दे भाई को सीधा इजाजत, भाई मिलेगा नहीं।